नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने 2021 मॉडल की पूनम फ्लूट की पूरी सेट ली है और ये है हमारा सेट। आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में एक छोटा सा और पैकेट भी है, फुल सेट। तो ये है हमारा 2021, इसको पकड़िए, 2021 का ये पूरा सेट है। आइए आज एक एक बांसुरी को खोल कर आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ है मेरे शिष्य अभिषेक कुमार, जो कि बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं और इसलिए बांसुरियाँ ज़्यादा है, इसलिए आज हम लोग दो लोग हैं और हम इसको आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो आइए अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको इसके बारे में एक एक चीज़ें डिटेल से हम बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये अनबॉक्सिंग का सीज़न। तो देखिए फटाफट हम यहाँ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। नई बांसुरियों का देखने का मज़ा ही कुछ और होता है, छूने का भी आज अलग मज़ा है। ली खोली तो फटाफट फटाफट इसे हम खोल रहे हैं, आप भी तैयार रहिए देखने के लिए। बिल्कुल एक नए स्टाइल में आज हमने अपनी बांसुरियों का सेट मंगवाया है। खोलिए इसको, लाइए इसको ऊपर से खोल। कुछ ज्यादा मेहनत लग रहा है हम लोगों को। आराम से अब हमारा ये पैकेट निकल गया है, जो हमारा पहला रोल था वो खत्म हुआ। रहने दीजिए उसको यहाँ से, हाँ उतार देंगे उसको नीचे की तरफ से। अब हम यहां से इसको खोलेंगे फोल्ड को। ये हमारा बैग निकल गया। आइए तो आराम से पीछे की ओर खिसका दीजिए, धीरे धीरे नीचे की ओर उतार। ये है हमारा बांसुरी का बैग, आ गया बाहर। आइए अब देखते हैं बांसुरी का अनबॉक्सिंग, आपको दिखाया आपको। आइए खोलते हैं इसे एक एक करके। तो ये हमारा निकला सेफ्टी सर। हाँ, ये सेफ्टी बैग निकल गया है। देखिए बहुत ही सावधानी से पैक किया हुआ है। इसके नीचे ये अंदर में ये पीवीसी बैग है, ये बीपीसी का पूरा कवर किया हुआ है इसका, और इसके अंदर में हमारी बांसुरियाँ हैं। आइए अब इसको धीरे से खोलते हैं, इसको पहले पूरा खोलना होगा तब हम इसे निकाल पाएंगे। ये हमारा सेफ्टी बैग निकल गया और अब निकालेंगे हम बांसुरियों को। बहुत ही मजबूत सी से तीन कवर में ये बंद किया हुआ था, अब तीसरा कवर हम खोल रहे हैं।
सावधानी रखनी है, कहीं ऐसा नहीं है कि हाथ कट जाए, क्योंकि तेज धार वाला ये ब्लेड है हमारे पास। इसको यहाँ खींच के बाहर निकालते हैं। ये हमारी बांसुरी का बैग आ गया बाहर। ये निकला हमारा बांसुरी पूरा का पूरा। आइए एक एक करके बांसुरी आपको दिखाता हूं। सिल खोलते हैं, है ना, इधर से सिल खोलिए। तो उसका रंग बिरंगा तो हम यहाँ पर जो मेरी बांसुरियाँ हैं वो सब आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। इसको पहले एक बार थोड़ा सा सजा लूँ। ये है हमारा बांसुरी, देखिएगा ये बेस वाली सारी जो बांसुरियाँ हैं एक साथ आपको दिखा रहा हूँ। मिडिल की सारी बांसुरियाँ दूसरे पॉकेट में हैं, मैं उसको फिर अनबॉक्सिंग करता हूँ तो उसको दिखाता हूँ। लेकिन पहले जो हमारा बेस वाला बांसुरी एक बार देख लें सब बांसुरियों को एक साथ निकाल कर। इसके साथ मैंने स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट की थी सी बेस शंख फ्लूट की, तो इसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं। और ये सी बेस मैं सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो थ्रेडिंग है इस बार स्पेशल थ्रेडिंग है, ये जो मैं बहुत मुझे बहुत पसंद आती है, खास करके ये US कनाडा इस UK में ये थ्रेडिंग बहुत पसंद की जाती है बांसुरी की। तो पूनम फ्लूट की ये स्पेशलाइज ये थ्रेडिंग है विदेश के लिए। तो इस बार मैंने बोला था उनको कि जो विदेशों में आप भेजते हैं उसकी थ्रेडिंग मुझे इस बार दिखाइए, जो अपने सब्सक्राइबर्स और फैंस हैं उनको दिखाऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो आइए दोस्तों, जो सबसे पहले मेरे पास है जो सी बेस का ये फ्लूट, फिंगर इस तरह से रख सकते हैं। ये है सी बेस। आइए इसको यहाँ पर रखते हैं आराम से। अब है निकालते हैं हम दूसरे नंबर की जो बांसुरी है वो है सी शार्प, ढूंढते हैं इसमें सी शार्प कहाँ है। ये हमारा सी शार्प मिल गया, ये सी शार्प नहीं ये डी है, सी शार्प ढूंढिए तो ये निकला, ये है सी शार्प। बजा के देखिए तो अभी तक कैसा लगता है आपको। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मजा आ गया ना। तो ये हमने सी शार्प को यहाँ रख दिया। अब अगली बांसुरी उठाते हैं, उसकी थ्रेडिंग इस प्रकार की है, थ्रेडिंग भी डिफरेंट है। देखिएगा मैंने बताया US UK कनाडा में जो जा रहा है तो उसी प्रकार की सारी थ्रेडिंग्स हैं। ये हम डी ले रहे हैं, ये आप डी साथ पकड़िए। और आपको बारीकी से देखना है तो मैं थोड़ा और नज़दीक करके दिखाऊं। और ये देखिए इसका जो कलर है, इसके ऊपर जो स्पॉट्स हैं, ये क्लियरेंस सेल मिल मैंने लिया है 46,000 में। याद रखिएगा 25 बांसुरियों का सेट 46,000 में लिया है। और सी वाला जो बांसुरी एक्स्ट्रा था वो अलग से मैंने लिया, एक्स्ट्रा था तो उसके लिए अलग से हमने पेमेंट भी किया है। आई ये डी वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको।
अब देखिए ये डी डी सा सा डी सा कैसा लग रहा है आपको, देखिए आवाज का तो जवाब नहीं है। और देखिए इसमें कैसे बैम्बू की क्वालिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा देर समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बैम्बू क्वालिटी बहुत अच्छी है। हल्का सा यहाँ पर एक स्पॉट्स है, पतली सी रेखा है, और अच्छा है, वजनी है, बांसुरी भी वजनी है और थिकनेस भी अच्छी है, बहुत हल्की नहीं है। अब आइए अगली बांसुरी देखते हैं हम लोग। डी तक हम लोग आ गए हैं, अब हम देखेंगे ई देखते हैं। डी या डी शार्प हो गया हमारे पास, ये ई है, ले लीजिए। तो हम यहाँ पर ई देखेंगे, ई की थ्रेडिंग इस प्रकार की है, देखिए। और यहाँ पर बस हल्की सी एक पतली सी लाइन है, आप देखेंगे जो बैम्बू का मैच्योर्ड बैम्बू का शाइन होता है वो है, और थिकनेस। ये साउंड बहुत अच्छी है, थ्रेडिंग आप देख लीजिए, और कलर जो है वो कैसा लग रहा है आपको, ये आप बताइए। अब आप अभिषेक बताएंगे एफ को। और थ्रेडिंग देख लीजिए, बहुत खूबसूरत थ्रेडिंग है, अनोखा। अब ले रहे हैं हम एफ शार्प, जी निकाल लीजिए आप। एफ शार्प का ये बैम्बू देखा जाए कैसा है, हल्का सा पीछे की ओर एक स्पॉट है, लंबी सी एक रेखा है, स्पॉट है, और बैम्बू का क्वालिटी देखिए, थिकनेस और गोलाई परफेक्ट है। अब बजा कर इसे देखते हैं। अब बजा के आप दिखाएंगे, अब अभिषेक बजा के दिखाएंगे। इसमें भी देखिए, ये तो हो गया थ्रेडिंग, और ये इसमें जो रेशे हैं वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि किल्ड्रेन सेल में है तो इस तरह का रेशे आम बात है, लेकिन बांसुरी क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैम्बू एकदम मैच्योर्ड है, बजाने में बहुत मजा आएगा। ये था बांसुरी आपके जी, और इसकी थ्रेडिंग है, और ये यहाँ पर थोड़ा रेशा है पीछे की ओर, एक रेशा है, सीधी रेखा जा रही है, लेकिन बैम्बू वजनी है, और एकदम परफेक्ट पॉलिश वगैरह है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। बैठे, अब हम ले रहे हैं ये जी सात, ये जी सात का थ्रेडिंग अलोखा पर है। Thank you.
आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और बताइए बांसुरियाँ जो मैं दिखा रहा हूँ और जो आप देख पा रहे हैं कैसा लग रहा है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाइए। और ये टोटल जो बांसुरियाँ 25 बांसुरियों का कलेक्शन है, हालांकि ये पहला पार्ट आप देख रहे हैं इस एपिसोड का, दूसरा पार्ट में मैं खोलूँगा इसका जो छोटा वाला बैग है वो भी खोल कर आपको दिखाऊँगा, फिर इसमें मैं और छोटी बांसुरियाँ भी दिखाऊँगा। टोटल 46,000 का पड़ा मुझे मेरे घर यहाँ पहुँचा कर, और उसके बैग ये फ्री है साथ में। अब आपको बजा कर दिखाई तो हाँ वो तो मैं दिखाऊंगा, पहले आप बजा करके, पहले लोग पब्लिक को साउंड देखना है ना, बांसुरी तो ये खूबसूरती तो बाद में देखते हैं। ये है बांसुरी, अभी आपने देखा ए, और ये इसकी थ्रेडिंग थी, बहुत खूबसूरत लग रही है। और रेशे हैं इसमें नेचुरल बैम्बू के रेशे हैं, और कहीं कोई कटफट कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और आपने देखा अब हमारे पास दो बांसुरियाँ और इस पैकेट की शेष हैं, उसे हम दिखाएंगे आपको। और ये है ए शार्प, और ये आप पकड़िए तो ये ए शार्प मैं बजा कर दिखा रहा हूँ आपको। अब बैम्बू का क्वालिटी देखा जाए, परफेक्ट है हर तरफ से। और यहाँ पर हल्का सा दिखेगा बांसुरी में थोड़े से रेशे दिखते हैं, लेकिन वो मामूली है और मस्त है बांसुरी तो बस। ओरिजिनल होने का सर सबूत है। अब आप बजा के दिखाओ बीएस के। हाँ आइए अब बैम्बू देखिए, बहुत खूबसूरत एकदम पका हुआ है। यह है थ्रेडिंग, और यह है कलर बांसुरी का, यह डायमीटर है, बिल्कुल आप सही ढंग से देख पा रहे हैं। तो आइए इसको, अब ये हमारे पास जो बैम्बू है ये हमारा पूरा का पूरा ये हमारा कलेक्शन है, उम्मीद करता हूँ ये आप देख पा रहे हैं। लीजिए इसको पकड़िए तो ये हमारा पूरा कलेक्शन है। पहला कलेक्शन आपने देखा, दूसरा कलेक्शन का वीडियो अभी बनाता हूँ, फिर मिलता हूँ। तब तक इस वीडियो में आप और क्या देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग मी। अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया।